हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी, डीएसएसबी, कोई भी स्टेट का चाहे कोई भी एग्जाम हो, हर बार 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 पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम्स में हर बार पूछे जाते हैं, एकदम सेलेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। इससे ही आपके 3 से 4 क्वेश्चन 100% फंस जाएंगे। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। एंड दोस्तों, हमारे चैनल पे सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और दोस्तों, बेहतर तैयारी के लिए मेरे चैनल पर डेली बेसिस से वीडियो विजिट जरूर कीजिए। एंड दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। तो दोस्तों, क्वेश्चन है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितने लीटर रक्त होता है। तो दोस्तों, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितने लीटर रक्त होता है, आप सबको पता है 5 से 6 लीटर। जैसा कि दोस्तों, कैसे 5 से 6 लीटर होता है, जैसा कि हम लोग ब्लड प्रेशर, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़े हैं कि जो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, यानी कि एक पंप में हृदय जितना रक्त एरोटा यानी महाधमनी यानी शरीर की तरफ पंप करता है, उसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, एक धड़कन में। ठीक है, कितना होता है स्ट्रोक वॉल्यूम? 70 ml। ठीक, और हमारा हार्ट रेट कितना होता है? हार्ट रेट 1 मिनट में होता है 72 बार। इस प्रकार हम पूरा कार्डियक आउटपुट निकालते हैं, यानी कार्डियक आउटपुट यानी कि हृदय की पूर्ण क्षमता। कार्डियक आउटपुट क्या होता है? जैसे कि स्ट्रोक वॉल्यूम हृदय की एक धड़कन में पंप किया गया रक्त होता है 70 ml, उसी प्रकार कार्डियक आउटपुट 1 मिनट में हृदय के द्वारा जितना रक्त पंप किया जाता है उसकी मात्रा को कार्डियक आउटपुट कहते हैं। तो कार्डियक आउटपुट का सूत्र होता है स्ट्रोक वॉल्यूम गुणे हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम आपका 70 ml हो जाएगा और हार्ट रेट 72 ml हो जाएगा। दोनों का आप गुणा करेंगे तो 5.01 के लगभग आएगा, यानी 5 लीटर के लगभग आएगा। इसलिए एवरेज निकाला गया है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। नेक्स्ट दोस्तों, पाचन क्रिया मुख्य रूप से कौन सी आंतों में होती है? तो दोस्तों, पाचन क्रिया मुख्य रूप से पूर्ण होता है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन दोस्तों, यहां सोचने वाली बात है कि पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ होता है। तो दोस्तों, जो भी हम भोजन मुख में ग्रहण करते हैं, हमारे मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, पैरोटिड, मेंडुलर, सब मेंडुलर, ये 3 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। इससे टैलिन नामक एंजाइम निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, यानी स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। तो हमारे शरीर में पाचन क्रिया आरंभ कहाँ हो जाती है? हमारे मुख में ही हो जाती है। किसके द्वारा? तो टैलिन एंजाइम के द्वारा। अब यह जाता है हमारे ग्रास नली के द्वारा अमाशय में। अमाशय में दोस्तों, उसको उसका मुलाकात होता है जठर रस से। जठर रस में आपका HCL होता है और 3 एंजाइम मुख्य रूप से निकलते हैं, पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज। जो जठर रस में HCL होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वह भोजन के साथ आने वाले सभी जीवाणुओं, बैक्टीरियाज को नष्ट कर देता है और भोजन को मथने का काम करता है। और इसमें जो 3 एंजाइम होती है, पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, जो पेप्सिन होता है वह HCL के साथ मिलकर प्रोटीन को पचाता है, यानी प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। और जो रेनिन होता है वह दूध का पाचन करता है, यानी दूध को केसिन में बदल देता है। और दोस्तों, जो गैस्ट्रिक लाइपेज होता है वह वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? वसा का पाचन करता है, यानी कि वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदलता है। उसके बाद जाता है अमाशय से छोटी आंत में, पाइलोरिक कपाट के रास्ते छोटी आंत के पहले भाग डुओडिनम में जाता है। और उसी डुओडिनम में 2 नली जुड़ी होती है, पित्ताशय की नली और अग्नाशय की नली। पित्ताशय की नली से पित्तरस डुओडिनम में आता है और अग्नाशय की नली से अग्नाशय एंजाइम जो होते हैं, अग्नाशय रस, वो डुओडिनम में आता है।
तो जब बड़ी अमाशय से छोटी आंत में जब भोजन जाता है तो डुओडिनम में पित्तरस और अग्न्याशय रस भोजन में मिलता है। पित्तरस जो होता है वसा का पाचन करता है, और जो अग्न्याशय रस में आपका एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन होता है। एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है, लाइपेज जो है वह वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदलता है, और ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलता है। उसके बाद जाता है, उसके बाद छोटी आंत में इस सभी भोजन का पूर्ण पाचन होता है। उसके बाद पूर्ण पाचन के बाद जितने भी पोषक तत्व होते हैं छोटी आंत में एक दीवार के समान विलाई होती है। विलाई में रक्त वाहिनियां होती हैं, वही विलाई की रक्त वाहिनियों द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण होकर के हमारे समस्त शरीर में जाता है कोशिकाओं तक, और वही ऑक्सीजन के द्वारा उसका ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। तो दोस्तों इस प्रकार हम समझे कि भोजन का पाचन का शुरुआत हमारे मुख में होता है और पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में यकृत का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो दोस्तों ग्लूकोज का संग्रहण है, ठीक है। यकृत क्या करता है? ग्लूकोज का संग्रहण, यानी ग्लूकोज को किसके रूप में संग्रहण करता है दोस्तों? ग्लाइकोजन के रूप में अपने पास रखता है। और जब हमको कभी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कि अतिरिक्त जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको ग्लाइकोजन के रूप में अपने पास यकृत रखा रहता है लीवर। और जब कभी हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वह फिर से ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके शरीर को ऊर्जा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर का कौन सा अंग पंप के समान कार्य करता है? जैसा कि आप सबको पता है जो हमारा हृदय है वह पंप के समान कार्य करता है। नेक्स्ट दोस्तों, मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? तो 206 हड्डियां पाई जाती हैं दोस्तों। जैसा कि हमारे मानव शरीर के हड्डियों को एक्सियल एंड परपेंडिकुलर दो भागों में बांटा गया है। एक्सियल यानी कि जो वक्षीय कपाल है ऊपर के भाग की, जिसमें हमारा मस्तिष्क, चेहरा, कान, हमारा धड़ और हमारा रीढ़ की हड्डियां आती हैं, जिसमें 80 हड्डियां पाई जाती हैं। और नीचे के भाग ऊपर और अपेंडिकुलर में आपका अपर लिम और लोअर लिम हो जाता है। अपर लिम में 64 और लोअर लिम में 62। इस प्रकार अपेंडिकुलर में कुल 126 और एक्सियल में 80, कुल 206 हड्डियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट दोस्तों, मानव शरीर की ज्ञान इंद्रिया कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों आप सबको पता है ज्ञान इंद्रिया 5 है, हमारा आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। तो इसमें आंख, कान, जीभ ये सभी आपके ज्ञान इंद्रिया हैं जो हमें ताप, गंध, स्वाद, रंग इन सब का ज्ञान कराती है। नेक्स्ट दोस्तों, पीयूष ग्रंथि द्वारा मानव शरीर में किसका नियंत्रण होता है? तो दोस्तों पीयूष ग्रंथि प्रमुख ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। यह अन्य ग्रंथियों को कार्यों में सहयोग करता है, यानी कि सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करता है पीयूष ग्रंथि, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, मानव शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो दोस्तों मानव शरीर में 70 से 75% जल पाया जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है मानव शरीर में 70 से 75% जल पाया जाता है, हमारे पेशियों में 75% जल पाया जाता है, एंड दोस्तों हमारे लार में 99% जल पाया जाता है, हमारे किडनी में 95% जल पाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, मानव पेशियों में गुणसूत्रों की कितनी जोड़ियां होती हैं? दोस्तों गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स की संख्या 23 जोड़ी होती है। अगर जोड़ों में नहीं पूछेगा, ऐसे ही पूछेगा तो 46 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, डीएनए का पता किसने लगाया था? तो डीएनए की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मीशर ने किया था। बट दोस्तों डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल होता है, जो दोहरा संरचना होता है, इस बात को मॉडल प्रस्तुत किया था वाट्सन एंड क्रिक ने। लेकिन डीएनए की खोज की बात किया जाएगा तो फ्रेडरिक मीशर है, और उसकी मॉडल प्रस्तुत करने का बात करेगा तो वाट्सन एंड क्रिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पीवट ज्वाइंट कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों पीवट ज्वाइंट में क्या होता है कि इसमें रोटेशन मोमेंट होता है, और एक हड्डी का सिरा दूसरी हड्डी के सिरे पर घूमता है, तो इसमें सिर की
हड्डी एंड हमारे जो कलाई की हाथ की रेडियस अल्ना होती है, रेडियस हड्डी अल्ना हड्डी के ऊपर सुपाइनेशन और प्रोनेशन दो घूर्णन गति करता है। तो यहाँ पे हमारा गर्दन तथा हाथ में रेडियस और अल्ना, ये हमारा पीवट ज्वाइंट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, कलाई यानी ब्रिस्ट को कौन सी संधि कहा जाता है? तो दोस्तों कलाई यानी कि ब्रिस्ट को कॉन्डिलाइट ज्वाइंट बोला जाता है। कॉन्डिलाइट ज्वाइंट में क्या होता है कि इसमें दो तलों में गति होती है, घूर्णन नहीं होता है, जैसे हमारा कलाई की, जैसे आगे पीछे आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, कार्पल एवं टार्सस हड्डियों को किस प्रकार की संधि कहा जाता है? तो दोस्तों कार्पल और टार्सस हड्डियां जो हमारे कलाई की कार्पल हड्डियां होती हैं और हमारे जो टखने की टार्सस हड्डियां होती हैं, तो कार्पल हड्डियां हमारे हाथ की कलाई में पाई जाती हैं और टार्सस हमारे पैर के टखने में पाई जाती है। ये दोनों क्या करते हैं, सरकने वाले यानी फिसलने वाले हड्डियां होती है, जो होता है जिसको ग्लाइडिंग ज्वाइंट बोला जाता है। ठीक है, यहाँ हड्डियां हड्डियों की दो चपटी सतह एक दूसरे पर क्या करती है, फिसलती है, तो यह आप ग्लाइडिंग ज्वाइंट में आ जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, संधि यानी ज्वाइंट के पास दो हड्डियों को जोड़ने वाले ऊतक यानी टिश्यू को हम क्या कहते हैं? तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुका है, दो हड्डियों को आपस में जोड़ने वाले तंतु को कहते हैं लिगामेंट। ठीक है, वहीं पे आपको पूछता कि मांसपेशियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है, तो टेंडन, और हड्डियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है, तो लिगामेंट, ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, संधियों में दो हड्डियों के ऊपर जो आवरण चढ़ा रहता है उसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो हड्डियों के ऊपर आवरण चढ़ा रहता है गद्दे नुमा, जिसके कारण हमारे जैसे कि सॉकर जैसे ये गति होती है, तो गद्दे नुमा आकृति होती है, उसे हम कहते हैं कार्टिलेज यानी कि उपास्थि, कार्टिलेज यानी कि उपास्थि। यह हड्डी का ही भाग होता है, बट हड्डी कठोर होता है, वह मुलायम होता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, संधि यानी ज्वाइंट में कौन सा तरल पदार्थ भरा रहता है? तो दोस्तों जो ज्वाइंट होता है दो हड्डियों के बीच, वहां पे तरल पदार्थ साइनोवियल फ्लूइड यानी कि साइनोवियल द्रव्य भरा रहता है, जो हमारे हड्डी को घिसने नहीं देता है, उसको लुब्रिकेट प्रदान करता है। नेक्स्ट दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी, वह कहाँ पाई जाती है? तो आप सबको पता है हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी हमारे जांग की हड्डी फीमर होती है, जिसे उर्वास्थि भी बोला जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, वह कहाँ पाई जाती है, ये भी आपको पता है। हमारे कान में तीन हड्डियां पाई जाती है, मिलस, इनकस और स्टेपस। तो जिसमें से स्टेपस जो होता है सबसे छोटी हड्डी होती है हमारे शरीर की। नेक्स्ट दोस्तों, अपर लिम्ब की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? जैसे कि दोस्तों हमारे अपर लिम्ब में हमारे दोनों हाथ दोनों कंधे आ जाते हैं, तो इसमें 64 हड्डियां पाई जाती है, 30 एक हाथ में, दूसरे हाथ में 30, 60 हो गया, दो हमारे कंधे यानी स्कैपुला की हड्डी एंड दो हमारे क्लैकेजम या दो हसली होती है, वो 64 हड्डियां पाई जाती है। इसमें आपके अपर लिम्ब में सबसे बड़ी हड्डी हमारी बांह की हड्डी ह्यूमरस होती है। नेक्स्ट दोस्तों, टिबिया फिबुला हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टिबिया फिबुला हमारे पैर में पाई जाती है, हमारे अंगूठे की तरफ की हड्डी जो जाती है वो टिबिया होती है, हमारे छोटी उंगली की तरफ पैर में जो जाती है वो फिबुला होती है। नेक्स्ट दोस्तों, संधि यानी ज्वाइंट के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो संधि यानी ज्वाइंट के अध्ययन को ऑर्थोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, हड्डियों यानी बोन्स के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो इसको ऑस्टियोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कितनी वर्टिब्रा यानी कि रीढ़ की हड्डी पाई जाती है? तो दोस्तों मानव शरीर में 33 रीढ़ की हड्डियां पाई जाती हैं, जिसमें से इसको पांच भागों में बांटा गया है, जैसे कि हमारा सर्वाइकल यानी गर्दन की हड्डियां 7 हो गई, हमारे थोरेसिक यानी वक्ष की हड्डियां 12 हो गई, एंड हमारी लंबर रिजन यानी कमर की हड्डियां 5 हो गई, एंड हमारी कॉक्सियल यानी कि सेक्रम हड्डियां, हमारी सेक्रल हड्डियां जो है वो 5 हो गई, जो बाद में बड़े होने पर पांचों मिलकर 1 हो जाती है, और कॉक्सिजियल हड्डियां 4 हो गई, जो बड़े होने पर 1 हो जाती है। तो यही आपके बच्चों में 33 हड्डियां पाई जाती है, जो वयस्क अवस्था हो जाती है तो जो सेक्रल 5 होती है वो 1 हो जाती है, जो कॉक्सिजियल 5-4 होती है वो 1 हो जाती है, इस प्रकार बड़े होने पर 26 हड्डियां बचती है। तो इसमें दो क्वेश्चन पूछेगा कि मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी कितनी होती है? तो 33। बच्चों में कितनी होती है? तो 33।
वयस्क में कितनी होती है? तो 26। इस प्रकार तीन प्रकार से क्वेश्चन इसको पूछ सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, कल्केनियम हड्डी कहाँ स्थित होती है? तो दोस्तों कल्केनियम हड्डी जो हमारे एड़ी की हड्डी होती है वही होती है जो हमारे पूरे शरीर का भार इस पे होता है। नेक्स्ट दोस्तों, स्टर्नम हड्डी कहाँ होती है? स्टर्नम जो होता है दोस्तों हमारे वक्ष यानी छाती पे होता है, जिसमें हमारे पसलिया जो होती है दोनों तरफ बारह बारह पसलिया होती है। ठीक है, तो कुल 12 जोड़ी पसलियां हमारे शरीर में है, तो 12 जोड़ी पसलियां एक दोनों तरफ 12 12 जुड़ी रहती है, कुल 24 पसलियां होती है जो स्टर्नम के साथ जुड़ी होती है। नेक्स्ट दोस्तों, दांतों को उनके आकार के रूप में कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों उनके आकार के रूप में दांतों को चार भागों में बांटा गया है, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोरल, मोरल। दोस्तों दांतों के ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं? तो उसको एनामिल कहते हैं, यह हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है, सबसे मजबूत भाग। नेक्स्ट दोस्तों, संधियों द्वारा कितने प्रकार की कोणीय गति होती है? दोस्तों तो कोणीय गति मतलब कोण का बढ़ना और घटना, तो कोणीय गति संधियों द्वारा चार प्रकार की होती है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन। नेक्स्ट दोस्तों, हिंज ज्वाइंट कौन सा होता है? तो हिंज ज्वाइंट का मतलब होता है दोस्तों एक तरफ एक तल में गति। हिंज ज्वाइंट का मतलब होता है एक तल में गति, जैसे कि दरवाजा एक तरफ ही खुलता है उसी प्रकार हिंज ज्वाइंट में एक तरफ ही गति होती है। जैसा हमारा नी ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट, उंगलियों का जोड़ और जबड़ों का जोड़, ये एक तरफ ही गति करती है। ये चारों आपका हो जाएंगे हिंज ज्वाइंट में। यहाँ पे ऑप्शन में आपका कोहनी, आपका एल्बो सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, कॉन्डिलॉयर ज्वाइंट कौन सा है? दोस्तों तो कॉन्डिलॉयर ज्वाइंट होता क्या है, इसमें दो तल में गति होती है। हमारे कलाई जो होती है वह उसमें दो तल में गति होती है, तो यहाँ पे कलाई आपका यानी ब्रिस्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, जोड़ की गति जिसमें कोड़ी व घोड़ी दोनों गति होती है दोस्तों, उसको हम सर्कमडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, सचर जोड़ किसे कहते हैं? तो दोस्तों हमारा जोड़ जो है तीन प्रकार का होता है, अचल, चल, अर्धचल। तो अचल संधि में हमारा खोपड़ी का जोड़ आता है जिसमें कोई गति नहीं होती है, तो इसमें सचर जोड़ आता है अचल जोड़ में, तो सचर जोड़ हम खोपड़ी के जोड़ को कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेग एंड साकेट ज्वाइंट किसे कहते हैं? तो पेग एंड साकेट ज्वाइंट दांत के जोड़ को कहते हैं दोस्तों। ये भी आपको अचल संधि में आता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों ये था आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो आपको बार बार पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को आप जरूर ध्यान में रखिएगा, और हर बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में, चाहे फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो। दोस्तों आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, मैं जरूर क्लियर करूंगी। एंड दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।